खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां यातायात जागरूकता के तहत रीवा कंट्रोल रूम से पुलिस विभाग द्वारा बाइक रैली निकाली गई है। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प और रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के द्वारा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इसी से बचने के लिए इस बाइक रैली के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि घर से निकलते वक्त हेलमेट का उपयोग करें, जिससे उनकी सुरक्षा हो सकती है। रीवा जिले में एक्सीडेंट से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के उद्देश्य से इस बाइक रैली का आयोजन किया गया है। बिना हेलमेट के हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है, हेलमेट का उपयोग करें, यही संदेश इस जागरूकता रैली के माध्यम से दिया जा रहा है। आइए सुनाते हैं रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने इस रैली के बारे में क्या जानकारी दी है। रीवा जिले में एक्सीडेंट से होने वाली डेथ की संख्या कम करने के लिए विभिन्न स्तर के प्रयासों में एक प्रयास जागरूकता भी है। उसी क्रम में प्रतिदिन हम लोग विभिन्न स्कूल कॉलेज में जाकर यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में एक बाइक रैली आयोजित की गई है, जिसमें आपने देखा हमारी पूरी टीम के लोग, प्रत्येक व्यक्ति हेलमेट लगाकर बैठा हुआ था। और इसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि बिना हेलमेट के हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है, अतः हेलमेट का प्रयोग करें और अपने जीवन की रक्षा करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें।